हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन ऑन स्मार्ट टेक फॉर यू। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें। तो मैं इस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, कैसे उसकी एडवांस सेटिंग ऑन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने यूट्यूब ऐप में, और आपको जो राइट साइड में सर्कल दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आप कुछ इस तरीके की स्क्रीन में आ जाओगे, और यहाँ कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, जैसे कि ऊपर दिख रहे हैं क्रिएट ए चैनल, तो आपको यहाँ टैप कर देना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो आप न्यू पेज में चले जाओगे। तो चलिए गाइस, हम करते हैं। तो हम यहाँ आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हमें इनको फिल करना है। तो सबसे पहले हम नेम को भरते हैं गाइस। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ क्लिक करा, तो अगर आप चाहते हो कि आपका नाम शो करे आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप यहाँ अपना नाम डाल सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ आप अपने यूट्यूब चैनल का भी नाम डाल सकते हो, जो भी आप अपने हैंडल में नाम डालना चाहते हो अपने चैनल के लिए, तो आप वो भी आप यहाँ डाल सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं इसको फिल करता हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको डन कर देना है। इसके बाद नीचे हमें ऑप्शन दिख रहा है हैंडल, यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम डालना है जो आप बनाना चाहते हो, आप वो डाल के इसको डन कर देना। ठीक है, इस तो मैंने इसको अब कंप्लीट कर लिया है। अब मैं करूँगा क्रिएट चैनल, इस पर आपको टाइप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करते हो तो आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो राइट साइड में सर्कल के ऊपर आपके चैनल का लोगो आ चुका है। आप दोबारा इस पर क्लिक करके वापस आ जाना। इसके बाद आप इस पेज पर आ जाओगे गाइस, तो आपको एक ऑप्शन ऊपर दिख रहा होगा पेंसिल आइकन का, तो इस पर आपको टैप कर लेना है। जैसे आप टैप करते हो तो इस पेज पर आ जाओगे, और आपको डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने एक डिस्क्रिप्शन लिख देनी है चैनल के बारे में, जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है। फिर एक हम्बल रिक्वेस्ट देनी है चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए। इसके बाद आप गाइस डन कर देना उसको। फिर हमें एक फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे अपने प्रोफाइल के लिए गैलरी में जाके। तो गाइस, मैं गैलरी में आ चुका हूँ। अगर आप चाहो तो अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हो यहाँ पर, अदरवाइज़ आप अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ लगा सकते हो। तो मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया गाइस। इसके बाद मैं सेलेक्ट करने के बाद सेव एज ए प्रोफाइल पिक्चर कर दूँगा। ये मेरी फ़ोटो आ चुकी है गाइस। अब मैं एक अपने बैनर के लिए फ़ोटो लगाऊंगा पीछे की साइड में, अपने प्रोफाइल पिक्चर के पीछे। आपने जो भी अब कोई बैनर के लिए फ़ोटो बना रखी हो तो आप यहाँ से उसको लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप कैनवा में जाके उसको क्रिएट भी कर सकते हो ईजिली से। तो चलिए गाइस, मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको अपने बैनर के लिए यूज करूँगा। आपको इसको सेंटर में रखना है, ताकि आप जो भी यहाँ अपने बैनर के पीछे शो कराना चाहते हो बैनर के ऊपर, वो आपको कम्प्लीटली दिखे। इसके बाद आपको डन कर देना है। तो गाइस, ये मेरी बैनर फ़ोटो आ चुकी है पीछे। ये आपका सिंपल यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है। तो गाइस, आप यहाँ से वीडियो भी अपलोड कर सकते हो इजीली सिंपल से। तो गाइस, अगर आप भी अपने चैनल को थोड़े एडवांस लेवल की सेटिंग करना चाहते हो, तो आपको इसको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब हमने इसको अपने कंप्यूटर में लॉगिन कर लिया गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन नीचे खुल के आ रहे हैं, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, और नीचे कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन खुल के आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आपको आ जाना है ब्रांडिंग वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है, और स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आ जाओगे तो हमें एक वीडियो वाटरमार्क वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप अपने YouTube चैनल का लोगो आउट कर सकते हो, ताकि अगर आप कोई वीडियो डाल रहे हो तो आपके वीडियो पे वो लोगो शो करे। तो इसके बाद गाइज, हमें आ जाना है अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर, और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ आप अपना लिंक, कोई लिंक है दूसरे उसका, तो आप यहाँ से ऐड लिंक भी कर सकते हो। और फिर इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना गाइज। तो यहाँ पर एक हमें ईमेल ऑप्शंस भी दिख रहा है, जो कि आप इसमें अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो, अगर कोई भी मतलब बिजनेस से रिलेटेड
तो यहाँ आप अपने ईमेल आईडी को भी फिल कर सकते हो। इसके बाद हम गाइस आएंगे सेटिंग के अंदर, और सेटिंग में आने के बाद हमें चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे हमें अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और कीवर्ड्स में कुछ कीवर्ड्स टाइप करने हैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, ताकि जो भी कोई इन कीवर्ड के थ्रू अगर कोई सर्च करे तो आपके वीडियो सर्च बार में आ जाए। तो मैं कुछ कीवर्ड लिख रहा हूँ गाइस, तो आप भी लिख देना जो भी आपके यूट्यूब से अकॉर्डिंग हो। और इसके बाद आपको सेव कर देना है। इसके बाद आपको एडवांस सेटिंग वाले कॉलम पर क्लिक करना है, और इसके बाद हमें कुछ नीचे ऑप्शन दिखेंगे, तो आप इन ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको छोड़ देना। फिर आपको नीचे इसको डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर हमें कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन मत सेलेक्ट करना, इनको ऐसे ही छोड़ देना। इसके बाद आपको नीचे फिर से आ जाना है इसको डाउन करके, तो नीचे हमें एक और ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माई कंटेंट, अगर आप चाहते हो अलाउ करना तो आप अलाउ कर देना, अदरवाइज छोड़ देना इसको। इसके बाद हम स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फीचर एलिजिबिलिटी। तो आप जैसे कि देख सकते हो स्टैंडर्ड फीचर्स, तो ये पहले से ही इनेबल है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सेकंड वाला है इंटरमीडिएट फीचर्स, इसके अंदर आप 15 मिनट से ऊपर भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो इससे सबसे पहले आपको इसके लिए अपना वेरीफाई फ़ोन नंबर करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना। इसके बाद आपको फिर से इसको मिनिमाइज़ कर देना है, और नीचे हमें एडवांस फीचर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो गाइस ये अभी एलिजिबल नहीं है हमारे पास, तो ये एलिजिबल जब होगा, जब आपके 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगा। इसके बाद आप वेरीफाई कर देना। इसके बाद हम बैक आ जाएंगे और ऑडियो लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारी हमें ऑडियो मिल जाएंगी, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने वीडियो के लिए। इसके बाद हम चलते हैं अर्न वाले सेक्शन पर। यहाँ पर हमें अभी कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। फिर हम चलते हैं गाइज ऊपर कमेंट वाले सेक्शन में। यहाँ से गाइज आप अपने कमेंट को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं चैनल एनालिटिक्स के ऊपर। तो गाइज यहाँ से आप अपने चैनल के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो आपके चैनल्स में कितने व्यूज़ हैं, वॉच टाइम क्या है, सब्सक्राइबर क्या है, कई सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखा देगा, जैसे कि आपको दिख भी रही होंगी। इसके बाद हमें आ जाना है कंटेंट पर। गाइस कंटेंट वाले कॉलम में आपको जो भी आप वीडियो अपलोड करोगे वो वीडियो यहाँ पर आ जाएंगी, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो जो भी करते हो आप, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ऑडियंस पर। ऑडियंस वाले सेक्शन में हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर रिटर्निंग व्यूअर्स, यूनिक व्यूअर्स और कई सारी चीज़ें और देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हम यहाँ से अपने चैनल के बारे में एनालाइज कर सकते हैं इसलिए। फिर हम आते हैं रिसर्च के ऊपर। जैसे आप रिसर्च पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपने टॉपिक के बारे में यहाँ से रिसर्च कर सकते हो, कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो, क्या अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो कई सारी चीज़ें हमें देखने के लिए यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं, तो आप भी यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हो। और फिर आप राइट साइड में देख रहे हो क्रिएट बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो इसलिए। जैसे कि मैंने यहाँ एक फाइल सेलेक्ट कर ली है, जैसे मैं सेलेक्ट बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर मीडिया में चला जाऊँगा, और यहाँ से मैं एक फ़ाइल अपलोड कर दूँगा। मैंने फ़ाइल सेलेक्ट कर ली और ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने गलती से सेलेक्ट फाइल्स पर क्लिक कर दिया था। जैसे ही वहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो हो जाएगी। वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, यहाँ से आप अपने वीडियो को टाइटल दे सकते हो और नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। यहाँ पर आप वीडियो की पूरी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जो भी आपकी वीडियो है उसके बारे में आप कंप्लीट टेल दे सकते हो। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आते हो यहाँ पर थंबनेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना।
इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना आप। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और नेक्स्ट पेज खुल जाएगा आपके लिए। तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आप इस टाइम देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है और अपना सॉरी मोबाइल नंबर डाल देना है, जो आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में ऑलरेडी सिंक है। तो आप वही मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना और गेट कोड पर क्लिक कर देना। तो गाइज हम वापस आ जाते हैं पेज पे। इसके बाद आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आप क्रिएट प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ से आप न्यू प्लेलिस्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ से आप अपनी प्लेलिस्ट इजीली बना सकते हो। अगर आप किसी भी रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो आप यहाँ से इजीली एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेना और उसको डन कर देना। डन करने के बाद आप नीचे इसको डन करके नीचे आ जाना और नीचे में कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना गाइज। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट करने के बाद आप वीडियो एलिमेंट में आ जाओगे, फिर चेक्स में आ जाओगे और फिर इसके बाद विजिबिलिटी में आ जाओगे। इसके बाद आप अपनी वीडियो पब्लिश कर सकते हो इसलिए। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप कंटेंट वाले कॉलम पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देखो गाइस, जो हमने वीडियो अभी डाली थी वो ड्राफ्ट में आ चुकी है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो वीडियो की डिटेल सारी। आप चाहते हो तो यहाँ से आप अपने यूट्यूब का प्रमोशन भी कर सकते हो। प्रमोशन बटन पर क्लिक करके आप गाइड स्टार्टेड कर देना, तो आपके वीडियो का और चैनल का प्रमोशन भी हो जाएगा। बट गाइज इसमें चार्जेस लगते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही करना है इसको। फिर आप यहाँ से अपना डैशबोर्ड देख सकते हो, जो भी वीडियो आप अपलोड करोगे वो यहाँ पर शो कर जाएंगे डैशबोर्ड में। इसके बाद आपको आ जाना है राइट साइड में, जो क्रिएट के बगल में बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद हमारे सामने कुछ ऑप्शन खुल के आएंगे, तो आपको नीचे अपीरेंस डिवाइस थीम जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल के आएंगे। यहाँ से चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्क्रीन की थीम बदल सकते हो गाइज। तो जैसे कि मैंने ये बदल लिया है। इसके बाद आप एडवांस सर्च भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपने चैनल का एनालाइज कर सकते हो। आप जान सकते हो कि आपके चैनल पर ट्रैफिक सोर्स क्या है और कहाँ से ये ट्रैफिक सोर्स आ रहा है, जियोग्राफी पर क्लिक करके। जैसे इस पर करोगे तो आपको जियोग्राफी भी दिखा देगा। इसके बाद हमारे सामने कई सारे ऑप्शन हैं, आप वन बाई वन इस पर चेक कर सकते हो। तो आप जो भी चेक करना चाहते हो इसलिए यहाँ से चेक कर सकते हो एडवांस सर्च के ऊपर। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।